अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ राज़ी एंड यू आर वाचिंग आरजे प्लैनेट। आजकल आप लोगों को पता है कि टूरिंग सीज़न पीक पे इतना लोग फैमिलीज़ के साथ टूर्स पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि लोग जो इस्लामाबाद और पिंडी के हैं वो नियरेस्ट जो उनकी डेस्टिनेशन है मरी या कोहाला या नीलम वैली कश्मीर मुजफ़राबाद ये है, और जो लाहौर से आते हैं स्पेशली वो भी मरी को टारगेट करते हैं और फिर ज़्यादातर कश्मीर की साइड पे उनका रुझान होता है। सवाद भी होता है लेकिन ग्रीनरी के लिए ना लोग प्रेफर करते हैं नीलम को, कश्मीर को। तो चूँकि हमारा जो इस्लामाबाद से आगे की जर्नी होती है वो यार सवाद की साइड पर से लोग जाते हैं, जो सॉरी जो आपका नेशनल हाईवे है ये अहमदाबाद की साइड पे, या वहाँ से जाते हैं लोग या फिर जाते हैं लोग मरी से। मरी में अमूमन ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और जिसकी वजह से बाज़ार की वजह से जिसकी वजह से लोग फंसते भी हैं। अभी जो नया रास्ता है ये ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट था, काफ़ी हद तक बन चुका था, लेकिन अब ये रास्ता जो है ना, अगर जो जा चुके हैं मुजफ़्फ़राबाद को हाला और आगे नीलम की साइड पर इस रास्ते से, तो ये रास्ता जो एक्सप्रेस वे आपका एंड होता है उधर से लेके जो आपका मरी की तरफ से रास्ता कोहाला से मिलाता है ना, वहाँ तक का बन गया है। यानी कि अब सिर्फ आगे का 2 से 2.5 किलोमीटर का पैच रह गया कोहाला तक का। अगर वो भी बन जाता है तो ये मरी एक्सप्रेस वे पर चढ़ने से लेके जो मुजफ़्फ़राबाद का ब्रिज है वहाँ तक आपको ये जो कॉर्पोरेटेड रोड देख रहे हैं ये आपको मुसलसल मिलेगा और आपकी जर्नी भी आसान हो जाएगी, आपके जो रश है वो भी आसान हो जाएगा, आपको रश भी नहीं मिलेगा कहीं। और सबसे बेहतर बात ये कि यहाँ अगर बड़ी गाड़ियों का रश भी होता है तो आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं और रोड आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन है। बीच में 2 किलोमीटर्स एक एक करके जो है ना 2 पैच हैं, थोड़े से कच्चे हैं क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड होती है, बाकी पूरा ये रोड बन चुका है। जो लोग जानते हैं मरी एक्सप्रेसवे से ऐसे ही एंड होता है तो आप घड़ियाल की तरफ निकल जाते हैं और लोअर टोपा आ जाता है। अगर उस तरफ आप ना मुड़ें राइट साइड पे ये रास्ता सीधा जा रहा है जो कि कोहाला और नीलम को टच करता है, फिर आगे से आप नीलम और शारदा और केएल इस पे से जा सकते हैं। बेस्ट रूट है आप लोगों के लिए, तो ट्रिप्स टूर्स बाइकर्स जितने भी हैं वो स्पॉट कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रूट है। बस ये ख्याल रखिएगा कि चूँकि देख रहे हैं आप इसमें सिंगल रोड है और बहुत अच्छा कॉर्पोरेटेड रोड है, तो बंदे को मोड़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें जो कि फिर डिस्टर्ब भी कर सकते हैं आप सामने की तरफ से आने वाली ट्रैफिक से। तो मैंने ये वीडियो बनाई है तोड़ो तोड़ ये जो है ना कोहाला की साइड से लेके एंड तक मरी एक्सप्रेस वे जहाँ आपको होता है, इससे आपका मरी का, घड़ियाल का और बाज़ार का जितना रश है स्पेशली जो आगे देवल आता है उसका रश सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है। इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ एक बाज़ार आता है फगवाड़ी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रश मिलता है लेकिन वो भी चूँकि मोड़ है बाज़ार पे इसलिए वो सिंगल रोड बहुत पतला हो जाता है। आपको बीच में इधर से दिखाऊँगा भी तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस वक्त संडे का दिन है, बिजीएस्ट दिन होता है, हाउएवर आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं और गाड़ी अगर आप नॉर्मल स्पीड पे 60-70 चलाएं तो ये पूरे का पूरा 1 घंटे का रास्ता है मरी से 1.5 से 2 घंटे। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है, मरी से थोड़ा सा ही लंबा रास्ता है, थोड़े से मुराद मैं ये कह सकता हूँ 10 से 12 किलोमीटर, लेकिन उससे जल्दी कवरअप होता है क्योंकि ये कवरअप इसलिए जल्दी होता है क्योंकि इस पर रश भी नहीं होता, रोड भी स्मूथ है और आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। बेतहाशा मैंने बाइकर्स देखे, बेतहाशा टूरिस्ट देखे मैंने, और ये चूँकि कुछ लोग होते हैं उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि रोड पूरा बना या नहीं बना क्योंकि ये पैचेस में बन रहा था रोड, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बाला से 2 किलोमीटर पहले सारा कंप्लीट हो गया जहाँ से मरी और ये मिलते हैं वहाँ तक का रास्ता। तो पूरी वीडियो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये रोड कैसा है और किस टाइप का ट्रैफिक आता है इसमें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा मरी या फिर ये रास्ता नीलम के लिए। उसके अलावा अगर आपने जाना था अहमदाबाद तो 6 से 7 घंटे का रास्ता है, वहाँ से जाना तो एक बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर साइट सीइंग करते हुए जाना चाहते हैं तो वो रास्ता ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आपने अगर कश्मीर जाना है तो ये बेस्ट बात है उसके लिए। तो चलिए आप जर्नी इंजॉय करते रहें और साथ साथ करते रहेंगे।
अच्छा ठीक है, जो मैंने आपको बताया था दो बैचेस आते हैं रफली, ठीक है, तो ये तकरीबन डेढ़, मतलब एक किलोमीटर, एक या डेढ़ किलोमीटर बनता है, ठीक है ना। और ये मतलब ये ऐसा पैच है कि इस पर आप आराम से गाड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं हो जो भी हो, बगैर किसी खौफ के कि यार ख़राब ना हो जाए गाड़ी, क्योंकि इसको ये भर देते हैं और भरते भरते इसको एक वक्त आएगा कि इसको भी कार्पेटेड कर देंगे, तो इससे हमें घबराना नहीं है। जो मैं आपको बताया था खुवाड़ी का है, ठीक है, तो ये चूँकि आप देख रहे हैं इन्होंने वैगन भी खड़ी की हैं, ट्रक्स भी खड़े हुए हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट गाड़ी खड़ी की, तो यहाँ थोड़ा सा रश मिलता है, अभी बहुत कर रहे थे कम था क्योंकि दो तीन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा, वरना यहाँ लाइन लगी होती है थोड़ी, मतलब आपको 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। और अगर ये उसके बाद खुलने के बाद कोई आपको बाकी जगह कोई रश नहीं मिलता और आप स्मूथ फ्लो से बाकी जर्नी अपनी क्रॉस कर लेते हैं। ये सेकंड बैच है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा बैच है, ये उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी हालत में, और ये भी कुछ अर्से में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड बैच है बस। जी तो इसी तरह ही हमारा रूट अख्ताम को पहुंचता है, राइट साइड पे लोअर टोपा पी एफ बेस है, और मैंने काफ़ी बीच में स्किपिंग की है। ये अगर आप 60 की स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे 60-70 चलाते हैं तो आप आसानी से 50 मिनट्स में दूसरे एंड पे हो फॉर श्योर। इवन कि अगर आप 10-15 मिनट के लिए बीच में रुकें भी तो आप ईज़िली इस जर्नी को पहुँच कर लेंगे, आपको मरी का और बाकी जगह का रश नहीं मिलेगा। तो अभी देखिएगा कहाँ से ज्वाइन होगा, तो जो मोस्टली आते हैं एक्सप्रेस वे से, हमारी बाइक्स पे, गाड़ियों पे, तो उनको मौका हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, ताकि दूसरे जो टूर्स आ रहे हैं बाइकर्स आ रहे हैं, गाड़ियों पर आ रहे हैं, उनको पता हो कि भी पूरी फ्लैश कहाँ तक रेडी है और वो खाम खाम मरी में ना फंसे जाके। इसको बेसिकली टी चौक कहते हैं, पी एफ का देखें या मैकडोनल्ड भी बना है, और यहाँ से स्प्रेडिंग होती है, जिसने मरी जाना है वो लेफ्ट होता है और जिसने आगे मुजफ्फराबाद वाला जाना है वो राइट होता है, चढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।